नमस्ते दोस्तों, फूड सम चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरी आज की रेसिपी है शाही फिरनी। फिरनी बनाने के लिए परफेक्ट मेजरमेंट जानना बहुत ही ज़रूरी है। मैंने आज बहुत सारे टिप्स के साथ फिरनी बनाने की परफेक्ट रेसिपी शेयर किया है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। अगर पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सबसे पहले मैंने इधर लिया है 1/4 कप चावल, ग्राम से ये 50 ग्राम के करीब है। मैंने इधर पुलाव वाले अंबे मोहर राइस यूज़ किया है, आप चाहे तो बासमती राइस भी यूज़ कर सकते हो। ये जो राइस है इसको दो बार साफ पानी से धो लेंगे, बहुत ज़्यादा धोने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा धोने से चावल में जो स्टार्च रहता है वो निकल जाएगा, जो कि फिरनी में एक्स्ट्रा क्रीमिनेस लाने में मदद करेगा। तो इसको मैंने धो के ड्रेन कर लिया है पानी को। अभी इसको अच्छे से फैला के सुखाने के लिए रख देंगे, पंखे के नीचे रखेंगे। जब तक चावल ड्राई हो रहा है, मैंने इधर 15 से 20 केसर के धागे ले लिया है। इसको गुनगुने गरम दूध में भिगो कर रख देंगे। अगर आप केसर यूज़ नहीं करना चाहते तो इसकी जगह पे आप केवड़ा एसेंस 2 से 3 ड्रॉप यूज़ कर सकते हैं, या तो फिर केवड़ा वाटर 1 टीस्पून डाल सकते हैं। तो अभी इसको रख देते हैं। और इधर मैंने लिया है 1/2 कप मिल्क पाउडर और इसमें 1/4 कप गुनगुने गरम दूध डाल के इसको अच्छे से मिला लेंगे। इसकी जगह पे आप चाहे तो कॉन्डेंस मिल्क यूज़ कर सकते हैं, या चाहे तो आप मावा भी यूज़ कर सकते हैं। अगर मावा यूज़ कर रहे हैं तो मावा को ग्रेटर से ग्रेट कर लीजिएगा, गुनगुने गरम दूध से अच्छे से मिक्स करके रख दीजिएगा, तो बाद में आप उसको यूज़ कर लीजिएगा। देखिए चावल जो है अच्छे से ड्राई हो चुका है, तो अभी इसको एक ब्लेंडर जार में ले लेंगे और ग्राइंड कर लेंगे। फाइन पाउडर नहीं करना है, दरदरा सा पीसना है। 2 से 3 बार कुछ सेकेंड के लिए अगर मिक्सी को घुमा लेंगे तो ये रेडी हो जाएगा। देखिए इस तरीके से दाने दाने दिखना चाहिए, तो इसको निकाल लेते हैं। अभी ये जो चावल है इसको डायरेक्टली अगर दूध में ऐड करते हैं तो कई बार होता है कि लम्प्स बन जाता है। इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए चावल के जो पाउडर है उसमें हमेशा दूध या तो फिर पानी आप मिलाकर गर्म दूध में अगर ऐड करेंगे तो कभी भी लम्प्स नहीं बनेगा और फिरनी का टेक्स्चर बिल्कुल स्मूथ आएगा। इधर मैंने 7 से 8 बादाम लिया है और बादाम को मैंने आधे घंटे पहले भिगो कर रखा था। अभी इसके छिलके को निकाल लेंगे। अभी ब्लेंडर जार में ये बादाम ऐड कर देंगे और 2 टेबलस्पून मैंने काजू लिया है, काजू को भी ऐड कर देंगे। आप चाहे तो बादाम या काजू में से कोई एक भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें मैंने थोड़ा सा दूध डाल दिया है और इसको फाइन पेस्ट बना लेंगे। क्योंकि ये शाही फिरनी बना रही हूँ इसलिए मैंने ड्राई फ्रूट्स ऐड किया है, आप चाहे तो ड्राई फ्रूट्स को स्किप भी कर सकते हैं। अभी एक कढ़ाई मैंने ले लिया है और कढ़ाई में थोड़ा सा मैं पानी से धो लिया है। इससे क्या होगा कि फिरनी जो है नीचे से नहीं चिपकेगा। इधर मैंने फुल क्रीम मिल्क लिया है 1 लीटर। फुल क्रीम मिल्क से ही ट्राई कीजिएगा बनाने के लिए, तो ये बहुत अच्छा बनेगा। दूध को मैंने गैस पर चढ़ा दिया है, अभी इसको चलाते हुए बॉयल करेंगे 5 से 7 मिनट तक। लगातार चलाते रहेंगे नहीं तो ऊपर मलाई जम जाएगा, मलाई जमने नहीं देना है। देखिए मैंने इसको अच्छे से बॉयल कर लिया है, अभी इसमें चावल ऐड करेंगे। तो चावल को जिस बोल में हम लोग रखे थे उसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे, क्योंकि चावल नीचे बैठ जाता है। मिक्स करके इसको दूध में डाल देंगे। अभी जो चावल है इसको अच्छे से पका लेंगे। जब तक ना चावल अच्छे से पक जाए तब तक इसको चलाते हुए कुक करेंगे। इसको कुक होने में 10 से 15 मिनट लग जाता है। तो देखिए चावल हमारा अच्छे से कुक हो चुका है। अभी इसमें चीनी ऐड करेंगे। मैंने इधर 1/2 कप चीनी यूज़ किया है, आप थोड़ा कम या ज़्यादा डाल सकते हो। इधर मैंने 2 चुटकी जितना नमक भी यूज़ किया है। कोई भी मीठी चीज़ में अगर आप नमक ऐड करते हो तो उसका मीठा स्वाद भी बढ़ जाता है।
तो चीनी को अच्छे से मेल्ट कर लेंगे। चीनी जब मेल्ट हो जाए तभी इसमें केसर वाला दूध ऐड करेंगे। और इधर मैंने ऐड कर दिया है पहले से जो मिल्क पाउडर को मैंने घोल कर रखा था वो। अगर आप कॉन्डेंस मिल्क यूज़ कर रहे हैं तो चीनी जो है वो थोड़ा कम यूज़ करें, क्योंकि कॉन्डेंस मिल्क में पहले से मीठा होता है। अभी इन सारे चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद इसमें बादाम वाली पेस्ट भी ऐड कर देंगे। बादाम अगर आप स्किप करना चाहते हो तो कर सकते हो। तो इधर मैंने डाल दिया है 1/4 टीस्पून इलायची का पाउडर। अभी सारे चीज़ों को अच्छे से मिक्स करते हुए इसको और भी 5 से 7 मिनट कुक करेंगे, जब तक ना परफेक्ट कंसिस्टेंसी आ जाए। देखिए ये परफेक्ट है। अभी इस टाइम पे आपको गैस ऑफ करना है। मैंने इधर 2 बूंद जितना फूड कलर, येलो फूड कलर यूज़ किया है। ये टोटली ऑप्शनल है। केसर से अगर परफेक्ट कलर आ जाता है तो आप नमक डालिए, अगर आपको चाहिए तो आप डाल सकते हो। तो अभी सारे चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसका कंसिस्टेंसी आप देख लीजिए इतना ही रहेगा। इससे अगर गाढ़ा करके इसको ऑफ करेंगे गैस को तो ये बाद में और ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा ठंडा होने के बाद। तो अभी इसको उतार लेंगे और ये गरम गरम रहते ही इसको बोल में भर लेंगे। अगर आपके पास मिट्टी का बर्तन है तो उसको 1 घंटा पहले आप पानी में भिगो कर रखे, फिर पानी को हल्का सा सुखा के उसके बाद फिरनी को सेट करें। मैंने इधर सिरेमिक बोल में सेट किया है और चाहे तो आप ग्लास के बर्तन में भी सेट कर सकते हो। पर इतना याद रखिए कि ये गरम गरम रहते ही सेट कर लेना है। कुछ मैंने इस तरीके के ग्लासेस के बोल में भी सेट कर लिया है। तो सारे जो फिरनी का बोल है मैंने सेट कर लिया है। अभी इसमें गार्निशिंग के लिए थोड़ा सा किशमिश डाल दूंगी। थोड़ा सा पिस्ता भी डाल देंगे चॉप करके। गार्निशिंग आपके ऊपर है, आप किस तरीके से गार्निश करना चाहें। और ऊपर से थोड़ा सा केसर भी डाल देंगे। अभी इसको फ्रिज में रखेंगे 3 से 4 घंटे के लिए। इतने टाइम में ये अच्छे से ठंडा भी हो जाएगा और अच्छे से सेट भी हो जाएगा। तो अभी इसको फ्रिज में रख देते हैं। 3 से 4 घंटा हो चुका है, मैंने इसको फ्रिज से निकाल लिया है। ये बहुत अच्छे से सेट हो गया है। अगर आप बोल को उल्टा भी करेंगे तो भी ये नहीं गिरेगा। तो इस तरीके से फिरनी की रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें। अगर पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।